सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी सर्दी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इस मौसम में जो मकई का आटा है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश मकई का आटा लें आप। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं, सिर्फ 2 कप मैंने लिया है मकई का आटा और 1/2 टीस्पून लिया है नमक। कुछ लोग मकई के आटे में नमक नहीं डालते हैं, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और साथ ही में मैंने लिया है हल्का सा नीम गर्म पानी यानी ल्यूकवार्म वाटर, क्योंकि सर्दी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा ही होता है। तो इसको हम गूंधेंगे आटे को। तो एक बड़ा बर्तन लीजिएगा आप, क्योंकि आटे को हमें काफ़ी देर मथना है। तो एक खुले बड़े बर्तन में मैंने लिया है ये मकई का आटा और डाला है इसमें नमक। इसको मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हरा धनिया या पालक भी डाल सकते हैं, उससे जो हमारी रोटी है उसका लुक अच्छा आता है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बाइंड कर देंगे यानी जोड़ लेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। यह आटा बहुत ज़्यादा सूखा होता है। थोड़ा थोड़ा आप पानी हाथ में लेते जाइएगा। जब तक कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता तब तक तो आप आसानी से इसमें पानी डाल सकती हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो जुड़ गया है। अब इसका एक हम पहले एक ढेर बना लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे इसको मथना। तो मथने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो ये हथेली का पोर्शन है इसको करेंगे गीला ऐसे और इससे इस तरह से इसको हम मथेंगे जब तक कि ये एकदम चिकना नहीं हो जाता। एक बार करेंगे हम हाथ गीला और इस तरह से इसको, थोड़ा सा मेहनत का काम है, इस तरह से हम इसको मथे जाएंगे। जितना आप अच्छा मथेंगी आपकी जो रोटी है उतनी ही कम टूटेगी। तो देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से मथ गया है, एकदम मक्खन जैसा हो गया है ये। थोड़ी सी मेहनत तो लगी है। अब हम इसको समेट के एक रोल बना लेते हैं। अगर आपका आटा अच्छे से मथ गया है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए आप, अब आपकी मर्जी है आप कितने बड़े इसके पेड़े बनाना चाहती हैं। तो थोड़े थोड़े, क्योंकि ये थोड़ी मोटी रोटी बनती है तो बस मैं मीडियम साइज के पेड़े बना रही हूँ। तो हम रोटी बढ़ाएंगे तो, क्योंकि वो हमेशा मक्की की जो रोटी होती है वो तवे पर चकले पर चिपक जाती है। तो आसानी के लिए हम अपनी एक साफ पॉलिथीन ले लेंगे या फिर आप जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं, वो सबके पास नहीं होते हैं, इसलिए मैंने एक साफ नई थैली का को काट लिया है। और ये डबल होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब हम लेंगे एक पेड़ा, ये देखिए, और इस पे लगाएंगे थोड़ा सा आटा। और जैसे हम नॉर्मल रोटी बढ़ाते हैं कुछ इसी तरह से हम बढ़ाएंगे। और आटा मैंने मकई का ही लिया है, ये देखिए आप। अब हम रखेंगे इसको थैली के ऊपर, यहां बहुत हल्के हाथ से करना है। जोड़ लीजिए, अगर कहीं से ये फट रही है तो ये हाथ से जुड़ जाएगी। और मकई की रोटी की फिनिशिंग का कोई ऐसा ज्यादा मसला नहीं होता है, टेस्ट ज्यादा होना चाहिए। और अब हम इसको हल्के हाथ से बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा हमें पतली नहीं रखनी है, बस हल्की सी ही। दूसरी तरफ तवा गर्म होने के लिए हमने रखा हुआ है, ये देखिए, बस इतनी ही बड़ी चाहिए हमें। ये देखिए आप, अगर आप चाहें तो
इससे पतली कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। अब मैं इसको हाथ पे ये उठा लेती हूँ और डालती हूँ मैं ये तवे पर। ये देखिए आप, अब मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी, पहले एक साइड से। तो रोटी को हम पलट के देखते हैं क्या हाल है इसका। ये अच्छे से पकने लगी है। आप चाहें तो इसको बिना आटा लगाए भी बेल सकते हैं, उसमें आपको पानी का हाथ लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। इस रोटी को सिकने में काफी टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी थिक भी होती है। तो अब हम इसको सेकेंगे गैस की के बर्नर पर डायरेक्ट। और आराम से सब्र से सेकना है ताकि किनारी वगैरह अच्छे से सिक जाए। तो देखिए रोटी अच्छे से सिक गई है। अब लगाएंगे हम इस पर घी, आपकी मर्जी है घी लगाएं या फिर बटर लगाएं, मैं देसी घी लगा रही हूं। अच्छे से लगा लेते हैं। दूसरी साइड से भी लगा देती हूँ। बहुत बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। और ये देखिए ये फूलने भी लगी। और तैयार हो गई है हमारी बहुत ही बेहतरीन गर्मा गर्म मक्के की रोटी। ये देखिए आप, इस तरह से हम और बना रहे हैं। देखिए हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है और बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो देखिए तैयार है हमारी मक्के की रोटी, बहुत ही आसानी से बन गई है, कोई ज़्यादा इसको बनाने में मुश्किल नहीं आई है। तो सर्व कीजिए इसको गर्मा गर्म सरसों के साग के साथ, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।